दरभंगा के जाले प्रखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पेड़ से लगातार पानी गिर रहा है। दरअसल कछुआ गांव के दलहरे के एक पेड़ की पत्तियों और टहनियों से निरंतर पानी गिर रहा है, जिसे देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई है। पेड़ के नीचे की जमीन ऐसे भीग गई जैसे वहां मूसलाधार बरसात हुई हो। लोग इसे किसी का चमत्कार बता रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जमीन पर सूखा पड़ा और लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे वक्त में पेड़ से लगातार टपक रहा पानी कुदरत की अनूठी लीला ही है। इस दावे पर मोहर लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं दिखी। यहाँ तक कि लोगों ने पेड़ के नीचे अगरबत्ती जलाना और मन्नत मांगनी शुरू कर दी है। लेकिन विज्ञान ने कभी चमत्कार को बढ़ावा नहीं दिया। और ऐसा ही कुछ कहा कृषि विज्ञान केंद्र जाले के पौधा रोग विशेषज्ञ के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी प्रसाद ने। वो कहते हैं कि ये घटना ठीक ऐसी है जैसे कि कोई व्यक्ति ओवरडोज भोजन करे और वो खाद्य सामग्री मुंह के बाहर निकल जाए। डॉक्टर आरपी प्रसाद कहते हैं कि बरसात से पहले दलहरे के पेड़ की प्यास अधूरी रही होगी, क्योंकि गर्मी में पानी का स्तर नीचे जाता है, लेकिन बरसात के बाद पेड़ ने जाइलम सेल की मदद से पानी सोखना शुरू किया और फ्लेम्स की मदद से पानी पेड़ के पत्तों तक गया, जिसके बाद पानी की बूंदें पत्तों से गिरने लगी जब पेड़ ने जरूरत से ज्यादा पानी सोख लिया। साथ ही कहते हैं कि बरसात के वक्त कुछ पेड़ में इस तरह का परिवर्तन देखा जाता है और बीते सालों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। न्यूज डेस्क।